हे गाइस, वेलकम टू द स्मार्ट लर्निंग एकेडमी। मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह। क्रैश कोर्स चल रहा है हर एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर गेट डीबीटी आप लोग देख रहे होंगे। हर दिन क्रैश कोर्स में हम नए वीडियोस आपके लिए कॉन्टिन्यूस लेके आते रहते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सके। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं स्मार्ट लर्निंग एकेडमी के, तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। कोई भी क्वेरीज आएगी तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अगेन सेकेंडरी डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं। कुछ सेकेंडरी डेटाबेसेस, स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस, ठीक है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर डेटाबेसेस। स्ट्रक्चर डेटाबेसेस में एक आता है प्रोटीन डेटा बैंक। क्या आता है? प्रोटीन डेटा बैंक आता है। प्रोटीन डेटा बैंक के बारे में बात करेंगे तो प्रोटीन डेटा बैंक प्राइमरी डेटाबेसेस स्ट्रक्चर का, प्राइमरी डेटाबेस स्ट्रक्चर का, एंड कंप्राइजेस, ये क्या करता है, दिस कंप्राइजेस पीडीबीई, पीडीबीजे, पीडीआर, एससीएसबी, ठीक है। पीडीबीई का मतलब होता है, कहते हैं कि ये प्रोटीन डेटा बैंक ऑफ यूरोप, प्रोटीन डेटा बैंक ऑफ जापान। जे का मतलब है आरसीएसबी, रिसर्च कोलैबोरेशन फॉर द स्ट्रक्चरल बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये आरसीएसबी से लिंक्ड होता है, ये आपका पीडीबी। जितने भी आप स्ट्रक्चर देखते हो प्रोटीन के, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, लेरिंजर में ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल, ऐसे अलग सा जो स्ट्रक्चर आप प्रोटीन का देखते होंगे, वो स्ट्रक्चर क्या है, वो यहीं से डिराइव होते हैं। प्रोटीन डेटा बैंक के सारे स्ट्रक्चर मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो। कंटेंट्स जो होते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से और एनएमआर से, जो एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है वही रिजल्ट इसमें स्टोर किया जाता है प्रोटीन का। एंड पीडीबी आईडी जो होता है 4-letter code होता है, पीडीबी आईडी जो होता है। द थिंग इज दैट प्रोटीन डेटा बैंक इज द प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटा बैंक या डेटाबेस। नाउ सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेस में कुछ अलग अलग एग्जांपल्स आते हैं, जैसे स्कोप, कैट, पीडीबी सम। स्कोप, कैट, पीडीबी सम। स्कोप का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। नाउ कैट का है क्लासिकल आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में आता है अल्फा, बीटा, अल्फा और बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा, ठीक है। ये बताता है कि या तो अल्फा सिर्फ हो सकता है, या तो सिर्फ बीटा हो सकता है, या सिर्फ अल्फा या बीटा हो सकता है, या अल्फा और बीटा दोनों का बना हो सकता है, ठीक है। सो अब देखने की कोशिश करिएगा, क्लासिकल आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी, होमोलॉजी जो होता है इसमें आपका कैट भी होते हैं। अब उसके बाद आता है पीडीबी सम। पीडीबी सम के बारे में बात करते हैं, डिराइव्ड फ्रॉम द पीडीबी। ये जो डिराइव्ड होता है वो अभी ये प्रोटीन डेटा बैंक आपने प्राइमरी देखा था, इसी से डिराइव्ड होता है पीडीबी सम। दीज आर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेटाबेसिस। आपको नाम याद रखना है, ठीक है, याद रखना है, नाम याद रखना है, एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। यहाँ पे यही एक ऐसी चीज है जहां पे रिमेम्बर करने वाला आपको एग्जाम्पल्स के बारे में। इज इट क्लियर? नाउ कैथ के बारे में डिटेल देखने की कोशिश करते हैं। कैथ जो होता है इसके अल्फा, बीटा, अल्फा बाय बीटा, अल्फा प्लस बीटा होता है। क्लासेस जो होते हैं आर्किटेक्चर, ये आर्किटेक्चर ये बताता है टू प्रोटीन आर्किटेक्चर जो होता है। क्लासिफिक क्लास जो होते हैं अल्फा, बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, आर्किटेक्चर ये बताता है टू प्रोटीन स्ट्रक्चर सिमिलर बट नॉट होमोलॉगस। दो प्रोटीन स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन होमोलॉगस नहीं है, ये आर्किटेक्चर बताएगा। टोपोलॉजी ये बताता है इसका कि वन स्ट्रक्चर फीचर कॉमन इन ऑल प्रोटीन। टोपोलॉजी ये बताता है कि कोई एक ऐसा स्ट्रक्चरल फीचर होगा जो उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में सबके पास होगा, उस पर्टिकुलर डेटाबेस में। एंड होमोलॉजी ये बताता है कि होमोलॉगस प्रोटीन है। तो इस किस क्लास में आता है? इसके चार क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासेस, आर्किटेक्चर, टोपोलॉजी एंड होमोलॉजी। कैथ का फुल फॉर्म होता है और ये क्लासेस होते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस जैसे कि मेटाबोलिक पाथवे डेटाबेसेस, जहां पे एसएमपीडीबी, केग, बायोसाइक आता है। एसएमपीडीबी जो होते हैं ये आपके पाथवे डेटाबेस होता है, स्मॉल मॉलिक्यूल पाथवे डेटाबेस। केग भी जो होता है पाथवे डेटाबेस होता है, क्योटो इनसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम्स, एंड बायोसाइक ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, बायोलॉजिकल साइकिल जो कि एनसीबीआई पे प्रेजेंट होता है। दीज आर द आपके पाथवे डेटाबेसेस होते हैं, दीज आर द पाथवे डेटाबेसेस। नाउ सम अदर इंपॉर्टेंट डेटाबेसेस, इसमें से कई सारी चीजें पूछी जाती है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स, जैसे कि HGMD, ये है म्यूटेशन डेटाबेस या ह्यूमन डिजीज डेटाबेस। जैसे कि देखिएगा, ह्यूमन जीन म्यूटेशन डेटाबेस HGMD। उसके बाद आता है OMIM,
OMIM जिसको बोलते हैं OMIM ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन डिजीज डेटाबेस हो गया। ट्रांसफैक के बारे में बात करते हैं, ट्रांसफैक जो हो गया क्या हो गया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस होता है, यूकेरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डेटाबेस है। एक डेटाबेस होता है ट्री बेस या ट्री फैन जो होता है, फाइलोजेनेटिक ट्री डेटाबेसेस होता है, नाम ही ट्री, पबमेड एंड पबमेड सेंट्रल लिटरेचर डेटाबेस है। पबमेड जो होता है वो पेड होता है, पबमेड सेंट्रल जो होता है वो फ्री होता है। हमेशा याद रखने के लिए कौन फ्री है कौन पेड, सेंट्रल जो होता है उसका मतलब होता है जितनी भी सेंट्रल चीजें होती है वो होती है सरकारी, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट चीजें जनरली फ्री होती है। तो दैट इज व्हाट द पबमेड, पबमेड सेंट्रल हमेशा फ्री होगा, पबमेड पेड होता है। उसके बाद आता है एरे एक्सप्रेस जो कि नाम है माइक्रो एरे एक्सप्रेस, तो क्या डेटाबेस होगा, माइक्रो एरे डेटाबेस। उसके बाद आता है स्ट्रिंग डेटाबेस, स्ट्रिंग है तो ये आपके प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस को मेजर करता है। आर फैम, आर से आरएनए, फैमिली से एफ, फैम से फैमिली है तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज व्हाट द आरएनए फैमिली डेटाबेस। और एक होता है एमएमडीबी जो कि मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस होता है, एमएमडीबी। These are the specific databases. Is it clear? समझ में आया? चलो, याद हुआ है कि नहीं हुआ है, कुछ भी याद हुआ है या नहीं? याद हुआ है तो चलो बताना फिर फटाफट, अगर याद हुआ है तो बताना फिर फटाफट, कुछ लोग तो ऐसे थोड़ा थोड़ा, ठीक है, बाकी कब याद करोगे, इतने देर से एक स्लाइड पे 5 मिनट में वेस्ट करूं तब तक हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, बात करता हूं डेटाबेस, डेटाबेस जो है, डेटाबेस में एक एक बात लेके चलता हूं। अगर मैं यहां पे बता रहा हूं तो 5 मिनट तक एक स्लाइड खुली रख रही है, तो उसको आप आधे घंटे से हम सिर्फ डेटाबेस पढ़ रहे हैं। मैंने सोचा था यहां पे मैं अलाइनमेंट तक फिनिश कर दूंगा ताकि मैं 2 घंटे में फिनिश कर पाऊं, लेकिन नहीं हो पाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स छूटा तो फिर मैं आगे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, ये भी है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं, मैं सोचा कि आप लोग लर्न कर लो क्योंकि आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। कई लोग ये होंगे कि हाँ नहीं समझ में आ रहा है सर, तेजी से जा रहे हो, एग्जाम्पल से एग्जाम्पल्स याद करने, और इसमें मैं कुछ बता नहीं सकता, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो कि आपको डेटाबेस से स्टोर करेगा। नाम याद होना चाहिए, प्राइमरी डेटाबेस में क्या था, जेन बैंक था, EMBL था एंड DDBJ था, दैट इज व्हाट द GED। उसके बाद था सेकेंडरी डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड में क्या था, यूनीजीन था, एनसेम्बल था, यूनीजीन एनसेम्बल था, बिल्कुल सही बात है, ये आपके सेकेंडरी डेटाबेसेस थे। चलो इसके बाद में अगर प्रोटीन के बारे में बात करता हूं, प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन का प्राइमरी डेटाबेस क्या था, दो बताया था प्राइमरी डेटाबेस में, कौन बताएगा, PIR एंड SwissProt, PIR एंड SwissProt। सेकेंडरी डेटाबेस में क्या बताया था इसका, TREMBL, ट्रांसलेटेड EMBL। उसके बाद क्या था, प्रोसाइट। उसके बाद PFAM, प्रोटीन फैमिली। चलो उसके बाद बात करता हूं स्ट्रक्चर डेटाबेस में, जरा बताना तो प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटाबेस में इसके भी थे। प्राइमरी में क्या था, प्राइमरी में था PDB, प्रोटीन डेटा बैंक, और सेकेंडरी में क्या था, प्रोटीन डेटा बैंक के बाद सेकेंडरी में कौन बताएगा, सेकेंडरी में था स्कोप कैथ एंड PDB सम। ये आपके स्ट्रक्चरल डेटाबेस सेकेंडरी डेटाबेस थे। चलो याद तो है क्या, याद तो हो गया सब। अब देखना कुछ स्पेसिफिक डेटाबेस बताता हूं, जैसे लिटरेचर, अगर लिटरेचर की बात करते हैं पबमेड एंड पबमेड सेंट्रल लिटरेचर डेटाबेस, ठीक है जी, समझ में आ रहा है, पबमेड सेंट्रल जो होगा यही फ्री होगा। नाउ उसके बाद जरा सा बताना ट्री डेटाबेस, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए क्या बताया था मैंने, ट्री फैम। आरएनए के लिए क्या बताया था, आरएनए फैमिली डेटाबेस के लिए क्या था, आर फैम। ये कुछ रिलेट कर एक पास रख रहा हूं ताकि आपको याद हो, RFM, ठीक है, ये कुछ डेटाबेसेस जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसके बाद अगर कुछ डेटाबेसेस और बताते हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक डेटाबेसेस,
चलो कुछ स्पेसिफिक डेटाबेसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे जैसे एक बार बताना कि OMIM क्या है जी। OMIM डिजीज डेटाबेस है, डिजीज है, ठीक है। हम उल्टा चल रहे हैं, पहले पहले दैट इज व्हाट पाथवे डेटाबेस। पाथवे कौन बताएगा, पाथवे डेटाबेस कौन बताएगा जी। पाथवे डेटाबेस में मैंने कुछ बताया थे आपके, क्या बताया था, पीडीबी सम गलत है, के गाता है, पीडीबी सम गलत है, के गाएगा, के के बाद क्या आता था, बायोसाइक, बायोसाइक, बायोसाइक और के गाता था। चलो पाथवे डेटाबेस ये था। उसके बाद अगर मैं कहता हूं डिजीज डेटाबेस बताना, तो डिजीज डेटाबेस बताना, तो व्हाट इज द डिजीज डेटाबेस, दैट इज व्हाट द OMIM, ठीक है। OMIM डिजीज डेटाबेस था, क्या बात है। दैट इज व्हाट म्यूटेशन डेटाबेस बताना, म्यूटेशन डेटाबेस, म्यूटेटर म्यूटेशन डेटाबेस क्या था, HG, यस HGMD, ग्रेट। अगर मैं आपसे बात करता हूं जरा सा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस बताना, तो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस क्या था, कौन बताएगा, स्ट्रिंग, याद रखना, अगर नहीं याद आ रहा है तो स्ट्रिंग होगा, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन डेटाबेस, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस, मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस, मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस, नाम में ही लिखा हुआ है मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस, MMDB, MMDB उसका नाम ही है मॉलिकुलर मॉडलिंग डेटाबेस का। क्लियर है या कुछ छूटा हुआ है, चलो देख लेता हूं एक बार। दी टॉमेट्री बेस ट्रांस, ओके OMIM, यस एरे एक्सप्रेस बचा हुआ है, ठीक है एरे एक्सप्रेस, ठीक है। माइक्रो एरे डेटाबेस, माइक्रो एरे डेटाबेस क्या हो जाएगा, याद हो गया कि नहीं हुआ, अभी भी याद नहीं हुआ, अभी भी याद नहीं हुआ तो बताओ क्या कर सकता हूं मैं, अब बैठ के रिवाइज करना इसको, ठीक है। मोस्टली के नाम से याद हो जाएगा, मोस्टली के नाम से याद हो जाएगा, इतना ही डेटाबेस है याद रखना, 2 पेज का डेटाबेस है, 2 पेज का डेटाबेस है याद रखना, इतना बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं मैं, चलो कि आपको ये फटाफट वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि मैं जितना हो सकता है मैं इतना आपके लिए कर रहा हूं, और आप भी अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए ताकि वो भी इन चीजों से लर्न कर सके। अगर आपको डेफिनेटली पसंद है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर। CSI नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना। बीइंग इन ऑल इंडिया रैंक होल्डर, मैं वीरेन सिंह बनाऊंगा आपके CSI नेट प्रिपरेशन को आसान। डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप एंड यूज द कोड वीरेन अपनी प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% ऑफ पाने के लिए।